जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब ख़बर ये है कि जैसे जैसे तमाम पार्टीज़ अपनी अपनी टिकटें अनाउंस कर रही हैं, वहाँ पे बहुत सारे सरप्राइजेज छुपे हुए हैं। यानी कि IPP और मुस्लिम लीग नून भाई भाई चल रहे हैं और पीपल्स पार्टी सुतेले भाई का किरदार अदा कर रही, और एक पहलू बिल्कुल मुख्तलिफ है जो कि है PTI ने भी अपनी टिकटों को अनाउंस कर दिया है। और जो सबसे बड़ा छिक्का चला है वो चला है अब की बार शेख रशीद साहब के साथ, यानी कि शेख रशीद साहब के ऑपोजिट उन्होंने इतना तगड़ा खिलाड़ी खड़ा किया है कि अब की बार शेख रशीद साहब का जीतना मुमकिन नहीं। और तो और अब की बार मैदान में PTI की टिकटों से बहुत सारे सहाफ़ी भी मौजूद हैं। सियासत का दंगल और इलेक्शंस का नतीजा ये तो 8 फरवरी के बाद ही पता चलेगा, या मुमकिन है 8 फरवरी की तारीख बदल जाए और फिर नतीजे सामने आए। लेकिन ये बात बिल्कुल पत्थर पे लकीर है कि इलेक्शंस के नतीजे में बहुत सारे लोग फिर यही बोलेंगे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, इलेक्शन फेयर डील पर नहीं हुए, जो सिलेक्शन थे वो बहुत सारे लोगों को नहीं भाएंगे। यानी कि फिर सियासत सियासत ही रहेगी और आम पाकिस्तानी की झोली में महंगाई और महंगाई ही आएगी।